करोड़ों फैंस के बीच 1973 में आई थी फिल्म बॉबी, और उस वक्त का वो एकदम युवा और मुस्कुराता हुआ चेहरा ऋषि कपूर का आज भी उसी तरह से वो मौजूद था। उनके हंसी के ठहाके जो अभी भी हमारे बीच गूंजते रहेंगे। नहीं रहे ऋषि कपूर एक बहुत बड़ी क्षति ये भारतीय सिनेमा के लिए, भारतीय सिनेमा का उभरते सितारे के रूप में जब बॉबी में जब उन्होंने पदार्पण किया था भारतीय सिनेमा के पर्दे पर पहली बार जब वो नजर आए थे तभी उन्होंने धूम मचा दी थी, और तब से लेकर आज तक उनके फैंस की गिनती लगातार बढ़ती रही। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं श्यामा। श्यामा, जब बीते सितंबर जब वो भारत लौटे थे, 11 months 11 days आई एम बैक, इस जोश के साथ वो आए थे और फिर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, अपनी फिल्म के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि लंबे समय के लिए वो न्यूयॉर्क में थे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, 2018 में जब ये डायग्नोस हुआ था कि उन्हें कैंसर हुआ है, और फिर वो गए थे न्यूयॉर्क में, ट्रीटमेंट ली उन्होंने काफी लंबे समय तक, उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथ में थी, और हम समय समय से देखते थे कि उनके बेटे और उनके और भी करीबी रिश्तेदार जो थे वो उन्हें बार बार मिलने जाते थे। उसके बाद में जब वो यहाँ पर आए तो वो रेगुलर चेकअप के लिए भी जाते थे, और साथ ही वो कई बार एडमिट भी हुए डिफिकल्टीज को ले लेके, दिल्ली में भी वो एडमिट हुए थे फरवरी में हमने देखा, फिर उसके बाद में उन्होंने ये खुद ट्वीट किया था कि वो बीमार है, वो अभी ठीक नहीं है, और जब वो एडमिट हुए थे ये बात उन्होंने खुद बताई थी। कल जब हमने देखा कि वो एडमिट हुए थे और उनके भाई रणधीर कपूर ने ये बात बताई कि उन्हें डिफिकल्टी हो रही थी सांस लेने में और इसकी वजह से उन्हें एडमिट किया गया है। कई सारे ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि उन्हें जो दवा की वजह से बोलने में भी, बात करने में भी तकलीफ हो रही थी, तो कई सारी तकलीफ हो रही थी और उसकी वजह से उन्हें एडमिट कराया गया। उसके बाद में ये भी न्यूज आई कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है, जो बाद में कहा गया कि नहीं, उन्हें नहीं शिफ्ट किया गया है, आईसीयू में उन्हें रखा जरूर गया है। आज सुबह में ये खबर आ रही आई जब अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट किया कि वो अब नहीं है, आई एम डिस्ट्रॉयड, और यही बिल्कुल पूरा एक थॉट है पूरे नेशन का, पूरे सिनेमा जगत का, कि दो दिन में दो क्षति ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स की, कि बॉलीवुड शायद ही इससे कभी उभर पाएगा, और साथ ही ऐसे सिचुएशन में अभी बिल्कुल श्यामा, जिस तरह से हमने देखा कि जो कैंसर से जो उनकी लड़ाई थी वो भी सभी के लिए मिसाल थी, जब वो न्यूयॉर्क में थे वहां पर भी लगातार हमें सोशल मीडिया पे उनके अपडेट्स मिलते थे, अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई दोस्त, कोई कलीग या उनका कोई परिवार वाला जब न्यूयॉर्क जाके उनसे मिलता था, हम तस्वीर देखते थे और मुस्कुराहट के साथ वो सभी अपने फैंस को ग्रीट करते थे। एक लंबी लड़ाई उन्होंने कैंसर से लड़ी और उसके बाद शायद कह सकते हैं कि वो हार गए, लेकिन हारने के बावजूद वो अपने सभी फैंस के लिए, सभी उन लोगों के लिए जो कई बार मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, हार जाते हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम कर गए। बिल्कुल मिसाल है ही, क्योंकि इतनी लंबी वो लड़ाई जो लड़ रहे थे और उसके बाद में जब वो न्यूयॉर्क से ठीक होकर आए हुए थे, एक तरीके से जो जोश था, एंथुसियाज्म था, कोई नहीं कह सकता था कि वो अभी भी ये तकलीफ को सह रहे हैं, अभी भी उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को, कैंसर को एक कहीं ना कहीं में पीछे रख के, काम को अपने, एंथुसियाज्म को आगे रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, और ये माना जा रहा था कि उन्होंने बिल्कुल हरा दिया है कैंसर को, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कैंसर की जो लड़ाई होती है काफी लंबी होती है कुछ कुछ केसेस में, और कुछ कुछ केसेस में वो लड़ाई जो है, जो पीडर्स होता है वो जरूर जीत जाता है, लेकिन इस केस में हमने देखा कि उन्होंने भले ही ये लड़ाई लंबी लड़ी हो, लेकिन आखिर में बिल्कुल हम बता दें कि इस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री ने भी उनके लिए ट्वीट किया, द सडन डिमाइस ऑफ एक्टर ऋषि कपूर इज शॉकिंग, ही वाज नॉट ओनली अ ग्रेट एक्टर बट अ गुड ह्यूमन बीइंग, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली फ्रेंड्स फैंस, ओम शांति। समाज के हर वर्ग से यहां पर शोक संदेश सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा का ये सितारा हर सभी के काफी दिल के करीब था। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह ने जिन्हें में ही ट्वीट किया है, एंग्विश्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ नोटेड फिल्म एक्टर ऋषि कपूर, ही कार्व्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ हिज फैंस विद हिज इमिटेबल स्टाइल एंड परफॉर्मेंसेस, माय थॉट्स आर विद हिज फैमिली एंड फैंस इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ, ओम शांति। एक पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया, एक पूरी पीढ़ी को खूबसूरत गानों पर थिरकना सिखाया इस सितारे ने, जिसके फैंस हर उम्र के फैंस यहाँ पे थे, और उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति जब आज
इस सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। श्यामा, आगे क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? जाहिर है कि इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है, तो ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते, उनको देखने, उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा सकते। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? जी, अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कब तक उनके पास शरीर को वहां से ले जाया जाएगा, या उन्हें घर ले जाया जाएगा पहले, या सीधे उन्हें लास्ट राइट के लिए, अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाएगा। कुछ समय में ये इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। हम रणवीर कपूर से बात कर रहे हैं, यही मान रहे हैं कि वो ही होंगे जो इंफॉर्मेशन बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि इरफान खान की खबर आई थी डेथ की, और उसके बाद में कुछ ही समय में जो कब्रिस्तान है वहां पे उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया, काफी कम करीबी लोगों के बीच में, और काफी कम समय में ये पूरी प्रक्रिया कर दी गई कोरोना कोविड-19 सिचुएशन की वजह से। पुलिस ने भी अपील की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अभी ऐसे समय में कोई भी वहां पर भीड़ ना जुटाए। तो यही एक बात यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि उसी सेम तरीके से ये भी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, लेकिन कपूर परिवार जो है, जिस तरीके से कपूर परिवार बहुत बड़ा परिवार है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफी सारे लोग उन्हें मिलने जरूर, उनके अंतिम दर्शन के लिए जरूर आएंगे। लेकिन एक तरीके से पुलिस फिर अपील कर सकती है उसी बात को लेके कि जब उनकी आखिरी उनकी अंतिम क्रिया की जगह जब तय होगी, वहां पर भीड़ ना जुटाएं, क्योंकि वहां पर अगर भीड़ जुटेगी तो जो फैंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली वहां पर भीड़ जुटाने आ जाएंगे। फैंस जो लोग को देख सितारों को देखने के लिए, या एक अंतिम दर्शन ऋषि कपूर जी का देखने के लिए, और साथ ही मीडिया तो हम एक्सपेक्टेड है ही कि मीडिया भी वहां पर होगी ही। तो एक प्रकार से पुलिस ये जरूर अपील करेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन कोई और सिचुएशन में ना बदल जाए। लेकिन उम्मीद यही है कि जो जितनी भी प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़े देर में मिल सकती है। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो तमाम लोग इस वक्त अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है, ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, तो जो भी अपनी प्रतिक्रिया है, जो भी शोक संदेश है, हम दूर से रहे कह सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमने कल इरफान खान के समय भी देखा कि दुनिया भर से शोक संदेश आए, सब ने सोशल मीडिया पर अपने हार्टफेल कंडोलेंसेस दिए और उनको अंतिम बार याद किया। तो नहीं रहे ऋषि कपूर, एक बड़ी क्षति यहाँ पर भारतीय सिनेमा की को, और तमाम उन प्रशंसकों के लिए, उन फैंस के लिए एक बेहद दुख की घड़ी। श्यामा, हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, एक यूथ आइकन की तरह वो उभरे थे, एक क्रेज हो गया था उस वक्त जब पहली बार वो बड़े पर्दे पर आए थे। उन्होंने शुरुआत की थी एक बाल कलाकार के रूप में अपने पिता के साथ, जो उनकी फिल्म थी मेरा नाम जोकर, लेकिन जब बॉबी में वो आए तो किस तरह से एक रेज और यूथ आइकन बन के उभरे, और उसके बाद एक के बाद एक लगातार वो बेहतरीन फिल्मों में नजर आते रहे, सभी कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी रही। अमिताभ बच्चन ने आज एक सबसे पहले ट्वीट कर उनकी जानकारी दी। किस तरह से आप देखती हैं कि ऋषि कपूर का जो उनका फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका साथ रहा, अमिताभ बच्चन के साथ हमने देखा कि बहुत सारी फिल्मों में साथ रहे, नसीब, अमर अकबर एंथनी, नॉट आउट 102, नॉट आउट में वो नजर आए, किस तरह से उनको फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस वक्त याद कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये सबसे फर्स्ट इन्होंने जो एज 3 साल की उम्र में श्री 420 में फर्स्ट इनका रोल रहा होगा, और फिर उसके बाद में जिस तरीके से आपने बताया बाल कलाकार, वो कर्ज मूवी में रहे, मेरा नाम जोकर में रहे, और उस वक्त पहली पहचान उनकी भी था, जिस प्रकार से कर्ज में उनका पूरा रोल रहा, मेरे जहन में सबसे पहला जो एक एक्टर के रोल में ऋषि कपूर के लिए आता है वो कर्ज मूवी है, और वो एक अनफॉरगेटेबल टोन है जो म्यूजिक का मूवी, जो कर्ज मूवी का टोन है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक में बजता है, मैं ऋषि कपूर को उसी से एसोसिएट करती हूँ। उसके बाद में कई सारे पिक्चर्स उनके देखे, मूवीज उनके देखे, अमर अकबर एंथनी कह लीजिए, उसमें एक उनका किरदार था जो पर्दा है पर्दा, हम आज भी उस गाने को जब याद करते हैं तो किस प्रकार से उनकी एक तरीके से एक्टिंग कह सकते हैं, या एक नॉटी रोल है वो कह सकते हैं। उसके बाद